नमस्कार, मैं हूं विभव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। पिछली बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया ने इस बार जीत के साथ आगाज किया है। जी हां, उन्होंने अफगानिस्तान को 7 विकेट से करारी मात देकर उनको क्रिकेट का यूं कहें उनको एक सबक सिखा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 विकेट खोकर 91 रन पहले ही टारगेट अचीव कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे सफल बल्लेबाज डेविड वॉर्नर रहे। डेविड वॉर्नर करीब 1 साल बाद जो है वो वापसी कर रहे थे अपने नेशनल टीम में और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 8 चौकों की मदद से 89 रन की पारी खेली। उनके अलावा टीम के कप्तान एरन फिंच ने महज 46 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 63 रन 66 रनों की पारी खेली। इन दोनों की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया टीम एक शानदार जीत हासिल करने में कामयाब रही। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की दमदार गेंदबाजी के आगे अफगानिस्तान की पूरी टीम 38.2 ओवर में 207 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। अफगानिस्तान की तरफ से नजीमुद्दीन जारदान ने सबसे ज़्यादा 51 रन बनाए, वहीं रहमत शाह ने 43 रनों की पारी खेली। वही बात करें ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की तो पैट कमिंग्स ने 40 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, वहीं एडम चैम्पा ने भी 60 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। तो इस तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंस के दम पर ऑस्ट्रेलिया टीम अफगानिस्तान को शिकस्त देने में कामयाब रही। लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरीके से कल खेला है वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक जो दूसरी टीमें हैं खासकर पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमें हैं उनको कहीं ना कहीं एक आईना जरूर दिखाया है कि किस तरीके से आप जो है जुझारू एक वर्ल्ड चैम्पियन टीम और एक मजबूत टीम के सामने टिक कर खेल सकते हैं और किस तरीके से उनको एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय दे सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, साथ ही इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।